स्वागत है आपका ज्ञान सरल के नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल फोन से जुड़े हुए टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में। इस लिस्ट में मौजूद सारे फैक्ट एक से बढ़कर एक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही कौन सा फैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम जल्द ही 100 सब्सक्राइबर टच करने वाले हैं और ये आपके प्यार के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, तो इसी तरह अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्मार्टफोन शब्द आज के समय में बहुत ही आम हो गया है और लगभग हर किसी की जेब में एक ना एक स्मार्टफोन जरूर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि विश्व में पहली बार स्मार्टफोन शब्द का इस्तेमाल 1997 में किया गया था और ये नाम दिया गया था एरिक्सन कंपनी के GS88 पेनलोपे मॉडल को। उसके बाद ही बाकी कंपनियां भी अपने फोन के लिए स्मार्टफोन शब्द का इस्तेमाल करने लगी। हालांकि 1994 में IBM ने वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन डेवलप कर लिया था। इसका नाम था साइमन। इसमें टच स्क्रीन, ईमेल, कैलकुलेटर, कैलेंडर जैसी सारी सुविधाएं थी, पर उस समय इसे स्मार्टफोन नहीं कहा जाता था, इसे साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर के नाम से जाना जाता था। आज तक के सबसे ज्यादा बिकने वाले मोबाइल की लिस्ट में दो नाम सबसे ऊपर है, नोकिया 1100 और नोकिया 1110। दोनों फोन्स के ही 25-25 करोड़ से भी ऊपर हैंडसेट आज तक बिक चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि नोकिया ने जब 2005 में अपना 100 करोड़वा मोबाइल हैंडसेट बेचा तो वो भी नोकिया 1100 ही था। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके पहली बार कॉल 3 अप्रैल 1973 में किया गया था। ये कॉल किया था मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने। मजेदार बात तो यह है कि ये कॉल उन्होंने उस समय के अपने कंपटीटर AT&T के एक इंजीनियर जोएल इंजल उन्हें किया था। और उस कॉल को करने के लिए वो न्यूयॉर्क की सड़कों पे गए, वहां से उन्होंने कॉल किया और खड़े होकर ये पूछा कि क्या तुम जानते हो मैं कहां से कॉल कर रहा हूं। इसके तुरंत ही बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने ऐलान किया कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन के द्वारा कॉल उन्होंने कर लिया है। इसके साथ ही क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का पहला टेक्स्ट मैसेज नील पापवर्थ ने भेजा था। इन्होंने 3 दिसंबर 1992 में पहला टेक्स्ट मैसेज भेजा और उस मैसेज में लिखा हुआ था मैरी क्रिसमस। दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे मोबाइल फोन की संख्या पूरी दुनिया की जनसंख्या के लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा है। भारत में लगभग 56 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 28.5 करोड़ लोग मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। चाइना के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट है। दुनिया का सबसे महंगा फोन है फाल्कन सुपरनोवा पिंक डायमंड। ये एक आईफोन 6 है जिसे 18 कैरेट गोल्ड और प्लेटिनम से बनाया गया है। इस फोन के बैक में एक पिंक कलर का बड़ा सा डायमंड जड़ा हुआ है। इस फोन की कीमत है 370 करोड़ रुपए। हालांकि अब ये फोन बिकना बंद हो गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने इसके बारे में पहले भी इंटरनेट पर देखा होगा। असल में 2014 से 17 के बीच में बहुत सारे साइट्स और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में इसके बारे में एक फेक न्यूज फैल रहा था कि नीता अंबानी जी ने ये फोन खरीदा है। हालांकि रिलायंस के एक सोर्स से पता चला था कि ये एक फेक न्यूज है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि जब हमारा फोन पुराना हो जाता है तो वो हैंग होने लगता है। ऐसे में गुस्से में आकर कई बार हमारा मन करता है कि इसे फेंक दें, बट फिर समझ में आता है कि इससे हमारे ही नुकसान होना है। पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पे मोबाइल फोन फेंकने से आपका फायदा हो सकता है? ये देश है फिनलैंड। यहां पे मोबाइल फोन को फेंकना एक स्पोर्ट्स की तरह लिया जाता है। और इससे भी अजीब बात तो यह है कि इसे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे पहली बार यह गेम खेला गया था सन 2000 में। उसके बाद से हर साल लगातार यह खेला जा रहा है और इसमें रिकॉर्ड भी बनाए जा रहे हैं। जो मर्दों का रिकॉर्ड है वो है 97 मीटर्स का और जो औरतों का रिकॉर्ड है वो है 40 मीटर तक फोन फेंकने का। आई विश हमारे यहाँ भी मोबाइल फोन फेंकने का कोई स्पोर्ट्स होता
तो हर बार जब भी कोई ब्रेकअप होता है तो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। क्या आप जानते हैं कि नासा का जो अपोलो 11 मिशन था, जिसमें इंसानों को चांद पे भेजा गया था, तो उस समय जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया था, हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन उससे लाखों गुना तेज है। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 2013 में यूनाइटेड किंगडम के कुछ रिसर्चर्स ने गूगल नेक्सस फोन अंतरिक्ष में भेजा था। इस रिसर्च के पीछे उनका मकसद था ये चेक करना कि वैक्यूम में मोबाइल फोन काम कर पाता है या नहीं, और साथ ही क्या फ्यूचर में इसे सैटेलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे टेक्नोलॉजी की बात करें या अजीबोगरीब गेम शोज की, जापान हमें चौंकाने से कभी नहीं चूकता। ऐसी वियर्ड फैक्ट में से एक ये भी है कि जापान में इस्तेमाल होने वाले 90% फोन वाटरप्रूफ होते हैं। इसका कारण ये है कि वहां के ज्यादातर लोग नहाते हुए भी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक गॉड हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वरना एक बार कोई नहाने जाता तो पूरा टंकी खाली करके जाता। दोस्तों, मोबाइल फोन के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में हमें लाखों फायदे होते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण कई नुकसान भी होते हैं। तो मेरे जो ये अगले दो फैक्ट्स हैं, ये इस नुकसान के ऊपर ही। मोबाइल एडिक्शन के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि नोमोफोबिया नाम का एक फोबिया या डर भी होता है, जिसमें इंसान को ये डर हो जाता है कि कहीं उसकी बैटरी खत्म ना हो जाए, या फिर बिना मोबाइल लेकर जब वो घर से निकलता है तो उसे पूरे टाइम डर बना रहता है। इसके साथ ही दो और कंडीशन भी होती है। पहला होता है रिंगजाइटी के नाम से। इसमें जब आपका फोन ना भी बज रहा हो तब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा फोन बज रहा है। दूसरा फबिंग, ये ज्यादातर नौजवान लोग करते हैं। इसमें नौजवान लोग जब फोन चलाते रहते हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को या लोगों को भी इग्नोर कर देते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि 47% नौजवान फबिंग का इस्तेमाल करते हैं आसपास के लोगों से बात ना करने के लिए। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन बहुत ही हानिकारक है, और इसमें सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हम एडिक्टेड हो भी जाते हो तो हमें पता नहीं चलता। एक स्टडी में पाया गया है कि औसतन एक दिन में हम अपने फोन को 110 बार अनलॉक करते हैं, और एवरेज एक दिन में 3.5 घंटे से ज्यादा समय हम अपने मोबाइल फोन पर खर्च करते हैं। इसके साथ ही ये भी पाया गया है कि जो टीनेजर्स मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आगे चल के उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, ये थे मेरे टॉप 10 फैक्ट्स। आई होप इस वीडियो को देखकर आपको मजा आया होगा, और आपको ये भी पता लगा होगा कि मोबाइल के फायदे तो बहुत हैं, पर इसके ज्यादा इस्तेमाल करने से नुकसान भी बहुत है। आगे आप सभी समझदार हैं, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे थम्स अप दें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।